अगर दोस्तों आप हमारे पहली बार इस चैनल पे विजिट हुए हैं तो इस वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा, उसे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर जानकारी फ्री में आपके पास पहुंचती रहे। नमस्कार दोस्तों, कैसे करें .com में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के बारे में कि दोस्तों अगर आप यूजर हैं स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के और आप अपना लॉगिन पासवर्ड जो है वो दोस्तों भूल गए। जी हाँ दोस्तों, नेट बैंकिंग अकाउंट के लिए जो खास जरूरत होती है आपका यूजर नेम और पासवर्ड, तो दोस्तों अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो दोस्तों कैसे जो है वो आप पासवर्ड अपना वापिस पा सकते हैं या फिर उसके साथ साथ दोस्तों कैसे जो है वो आप अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं, ऐसी ही जानकारी आप अगर जानना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जो है वो देखते रहिए और सीख लीजिए कैसे करें। इसके लिए दोस्तों आपको कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, जैसा हम बिल्कुल आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। दोस्तों आपको विजिट करना है onlinesbp.com पे। जी हाँ दोस्तों, हमें विजिट करना है onlinesbp.com पे, जैसा हमने बिल्कुल आपको स्क्रीन पे दिखाया दोस्तों। उसके बाद आप क्लिक कर दीजिए आपके सामने दिखाए गए ब्लू कलर के लॉगिन बटन पे। दोस्तों जैसे ही हम क्लिक करते हैं, जैसा बिल्कुल आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं दोस्तों दिए गए ब्लू कलर के लॉगिन बटन पे, हमारे सामने जो है वो दोस्तों ऑप्शन होता है कंटिन्यू टू लॉगिन का। दोस्तों हम लोग जो है वो क्लिक कर देते हैं कंटिन्यू टू लॉगिन। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने जो है वो नई विंडो खुलती है जहां पर हमसे पूछा जाता है हमारे यूजर नेम और पासवर्ड के बारे में। उसके सामने दोस्तों जो है वो तीन ऑप्शंस दिए होते हैं, पहला होता है न्यू यूजर, उसके बाद होता है दोस्तों फॉरगेट लॉगिन पासवर्ड। तो दोस्तों हमें जो है वो क्लिक करना है फॉरगेट लॉगिन पासवर्ड, यानी लॉगिन पासवर्ड जो है हम लोग भूल चुके हैं तो दोस्तों हम उसको जो है वो क्लिक कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने एक नई टैब जो है वो ओपन होगी, जैसा हम बिल्कुल आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं दोस्तों। उसके अंदर आपसे जो है वो पूछा जाएगा एक ऑप्शन के बारे में कि फॉरगेट माय लॉगिन पासवर्ड। जी हाँ दोस्तों, हमसे पूछा जाएगा फॉरगेट माय लॉगिन पासवर्ड, तो हम जो है उस ऑप्शन को चूज कर लेंगे और उसके बाद क्लिक कर देंगे नेक्स्ट स्टेप पे। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन होगा नीचे नेक्स्ट स्टेप का, हम जो है वो उसको चूज कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने जो है वो काफी सारी डिटेल्स के बारे में हमसे पूछा जाएगा, जैसे कि हमारा यूजर नेम। दोस्तों जो नेट बैंकिंग का यूजर नेम है वो दोस्तों ढूंढ लीजिए, अगर आपको वो जो नहीं पता है तो आई बटन में उसके बारे में हमने एक वीडियो डाल दिया है जहां से आप ये भी जान सकते हैं कि आपका यूजर नेम दोस्तों क्या है। दोस्तों यूजर नेम में यूजर नेम एंटर कर दीजिए, अकाउंट नंबर में अकाउंट नंबर, उसके बाद कंट्री में दोस्तों आपकी जो कंट्री है इंडिया ऑब्वियसली हमारी है तो हम एंटर कर लेते हैं। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दोस्तों, तो वो मोबाइल नंबर जो हमने बैंक में दिया है उसको एंटर कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों एग्जैक्टली आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है दोस्तों, तो वो एंटर कर लेते हैं। जैसा मैं भर रहा हूँ अप्रैल 27 अप्रैल 1991, तो दोस्तों मैं वो एंटर कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने जो है वो नीचे ऑप्शन होगा एक, जैसे हम डेट जो है वो एंटर कर लेते हैं, उसके बाद दोस्तों हमारे सामने ऑप्शन होगा एक एंटर द टेक्स्ट शोन इन द इमेज। दोस्तों जैसा हमारे को सामने इमेज में एक टेक्स्ट दिखाए गए हैं दोस्तों, कुछ डिजिट्स दिखाए गए हैं, हमें वो एज इट इज जो है वो एंटर कर लेने हैं C7ACE और क्लिक कर देते हैं सबमिट पे। जी हां दोस्तों, आपके सामने जो कोड हो उसे एंटर कीजिए और क्लिक कर दीजिए दिए गए सबमिट बटन पे। जैसे दोस्तों हम लोग करते हैं क्लिक सबमिट बटन पे, हमारे मोबाइल नंबर पे हमें जो है वो दोस्तों एक SMS सेंड किया जाएगा जिसके अंदर कुछ डिजिट्स जो है वो हमें दिए होंगे दोस्तों, तो हमें जो है वो डिजिट्स इसके अंदर जो है वो एंटर कर लेते हैं जहां पर लिखा हुआ है एंटर वन टाइम पासवर्ड, और उसके बाद दोस्तों हमें क्लिक कर लेना है कंफर्म बटन पे। अगर हमें हमारा कोड प्राप्त ना हो तो दोस्तों नीचे दिए गए रेड कलर के क्लिक हेयर टू रीसेंड द SMS जो है उस पर भी क्लिक हम जो है वो दोस्तों कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम लोग जो है एंटर करने के बाद क्लिक कर देते हैं कंफर्म पे। जैसे ही दोस्तों हम क्लिक करेंगे कंफर्म पे, हमारे सामने जो है वो ऑप्शंस होंगे यूजिंग ATM कार्ड डिटेल्स, यूजिंग प्रोफाइल पासवर्ड, विदाउट ATM एंड प्रोफाइल पासवर्ड। तो दोस्तों हम लोग जो है वो इजी वे होता है यूजिंग ATM कार्ड डिटेल्स, यानी हमारे ATM कार्ड के डिटेल्स के द्वारा दोस्तों हम लोग जो है वो नेट बैंकिंग अकाउंट का पासवर्ड जो है वो सेट कर सकते हैं। तो हम लोग जो है दोस्तों टिक कर देते हैं यूजिंग ATM कार्ड डिटेल्स। अगर दोस्तों आपको आपका प्रोफाइल पासवर्ड याद है तो दोस्तों आप उसको भी जो है वो क्लिक करके सबमिट बटन पे जो है वो क्लिक दोस्तों कर सकते हैं। जैसा हम बिल्कुल आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं दोस्तों, हमने चूज किया यूजिंग ATM कार्ड डिटेल्स और उसके बाद क्लिक कर देते हैं सबमिट बटन पे। जैसे दोस्तों हम लोग क्लिक करेंगे सबमिट बटन पे, एक प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग होने के बाद दोस्तों हमारे सामने जो है वो हमारे ATM कार्ड की डिटेल हमसे जो है वो मांगी जाएगी। तो दोस्तों कार्ड नंबर में हम जो है वो हमारे ATM कार्ड पे दिया हुआ नंबर जो है वो एंटर कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों वैलिड थ्रू या एक्सपायरी डेट दोस्तों, तो कब तक जो है वो एक्सपायर होने वाले, तो जनवरी
35 जो है वो हमारा है। तो दोस्तों हम लोग जो है वो 1/2035 जो है वो एंटर कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों कार्ड होल्डर नेम, कार्ड के ऊपर या कार्ड का जो होल्डर है दोस्तों, कार्ड जिसके नाम से है वो एंटर कर लीजिए, यानी आपका नाम जो है वो आप इसमें एंटर कर लीजिए। एटीएम का पिन दोस्तों, जो आपका एटीएम का पिन है दोस्तों, जो आप यूज करने के लिए यूज करते हैं वो एंटर कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको जो है वो कैरेक्टर्स यू सी इन द पिक्चर बिलो, तो दोस्तों जो आपके सामने पिक्चर में जैसे वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, उनको जो है वो हमें एंटर कर लेना है, जैसे TF4U3। तो दोस्तों एंटर कर देते हैं और क्लिक कर देते हैं प्रोसीड नामक बटन पर। दोस्तों जैसे ही हम क्लिक करेंगे प्रोसीड नामक बटन पर, हमारे सामने एक प्रोसेसिंग होगी और अगली विंडो में हमें जो है वो लेकर के जाया जाएगा। दोस्तों वहां पर हमसे हमारे जो पासवर्ड है दोस्तों, उसके बारे में हमसे पूछा जाएगा। तो दोस्तों एंटर न्यू लॉगिन पासवर्ड के अंदर जो है वो हमें हमारा नया पासवर्ड जो है वो एंटर कर लेना है, जिसके अंदर कुछ वर्ड्स होंगे या फिर उसके साथ साथ दोस्तों कुछ जो है वो स्पेशल करेक्टर्स होंगे, जैसे @#, या फिर कुछ भी दोस्तों। उसके बाद कुछ डिजिट्स होंगे दोस्तों, गिनती जो है वो आपको यूज करनी है। उसके बाद दोस्तों आपको कंफर्म लॉगिन पासवर्ड, बिल्कुल सेम पासवर्ड जो आपने ऊपर एंटर किया था दोस्तों, वो हमें नीचे एंटर करना है और क्लिक कर देना है सबमिट पे। जैसे ही दोस्तों हम क्लिक करेंगे सबमिट बटन पे, हमारे सामने जो है वो प्रोसेसिंग होगी और एक सक्सेसफुल रिकवरी पासवर्ड का जो है वो हमारे सामने मैसेज आ जाएगा। और दोस्तों जो पासवर्ड अभी हमने एंटर किया है वो हमारा पासवर्ड हमारी लॉगिन करने के लिए जो है वो सेट हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से जो है वो आप कर पाएंगे अपने नेट बैंकिंग अकाउंट को पासवर्ड जो है वो जान पाएंगे दोस्तों, या फिर नया जो है वो सेट कर पाएंगे। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो नीचे दिए गए लाइक बटन को जो है वो क्लिक कर दीजिए, शेयर और सब्सक्राइब हमें जो है दोस्तों कर लीजिए, और सीखते रहिए हमारे साथ और बने रहिए कैसे करें। दोस्तों अगर आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आपको जो है उस बारे में हमने कुछ वीडियोस यहाँ पर और यहाँ पर आपको जो दिए हैं उन पर आप क्लिक करके अन्य जानकारी हमें जो दोस्तों प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं और हमारी इस जानकारी से खुश हैं तो नीचे दिए गए शेयर बटन से जो है वो जानकारी को शेयर कर दीजिए, और हमारे यहाँ पर दिए आइकन बटन से क्लिक करके आप सब्सक्राइब पे क्लिक करके हमें सब्सक्राइब भी जो दोस्तों कर लीजिए।